मोतिहारी जिले में दिन दहाड़े दिन के उजाले में जिला परिषद सदस्य की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। न्याय दिलाने को लेकर औरंगाबाद में जिला परिषद सदस्य प्रतिनिधि का एक शिष्टमंडल डीएम से मिला। डीएम से मिलकर महामहिम राज्यपाल को ज्ञापन सौंपा है। आइए सुनते हैं जिला परिषद सदस्य शंकर यादव और प्रतिनिधि सुबोध को। अभी हम लोग औरंगाबाद के जिला पदाधिकारी महोदय से जिला परिषद का प्रतिनिधि मंडल मिला है और विगत दिनों जो मोतिहारी में जिला परिषद के माननीय सदस्य श्री सुरेश प्रसाद यादव की दिन दहाड़े उजाले में अपराधियों द्वारा गोली मारकर हत्या की गई है, जो काफ़ी दुखद है, दुर्भाग्यपूर्ण है और राज्य में शासन प्रशासन नाम की कोई चीज़ नहीं है। अपराधियों का मनोबल इतना बढ़ गया है कि करीब 4:45 दिन में सरेआम भीड़ भाड़ वाले इलाके में एक जनप्रतिनिधि की हत्या होती है। तो इस बात को लेकर के हम लोगों ने जिला पदाधिकारी से मिलकर के राज्यपाल महोदय को हम लोगों ने स्मारक पत्र समर्पित किया है और हम लोगों ने कहा है कि जो प्रतिनिधि जो असुरक्षित महसूस कर रहे हैं अब क्षेत्र भ्रमण के क्रम में, उन्हें सुरक्षा का जो भाव है इसके लिए जिला पदाधिकारी स्थानीय प्रशासन उन प्रतिनिधियों की सुरक्षा की समुचित व्यवस्था करें। मृतक के जो आश्रित हैं उन्हें 50 लाख रुपये मुआवजे की मांग, साथ ही मृतक के आश्रितों की नौकरी और जो जनप्रतिनिधि चाहते हैं अपनी सुरक्षा के लिए आर्म्स लाइसेंस जिला प्रशासन और बिहार सरकार से हम मांग करते हैं कि वैसे प्रतिनिधियों को सुरक्षा व्यवस्था के लिए आर्म्स का लाइसेंस भी दिया जाए। और जो हालात हैं इन दिनों बिहार में काफ़ी भयावह स्थिति बनी है राज्य में। जंगल राज, ओरिजिनल जंगल राज तो अभी ही आया है। जंगल राज में कोई हम लोग सुरक्षित नहीं, कभी भी किसी के साथ कोई अप्रिय घटना घट सकती है और सुशासन में बैठे लोग जो सुशासन का राग अलापने वाले लोग हैं वो कान में तेल डाल करके बैठे हुए हैं। ऐसी सरकार को हम राज्यपाल महोदय से मांग करें कि तत्काल बर्खास्त करें और जनप्रतिनिधियों की सुरक्षा की गारंटी हो। इस मामले को लेकर क्या भी डीएम साहब बता देंगे? पिछले दिनों मोतिहारी में हमारे साथी व जिला परिषद के सदस्य थे सुरेश प्रसाद यादव जी, दिन दहाड़े अपराधियों द्वारा उनकी निर्मम हत्या कर दी गई। इस संदर्भ में हम लोग पूरे बिहार में महामहिम राज्यपाल को जिला पदाधिकारी के माध्यम से एक ज्ञापन सौंपा है, जिसमें हमारी प्रमुख मांगे हैं कि इस पूरे घटना का जांच सीबीआई से हो, मृतक के परिवार को 50 लाख मुआवजा दिया जाए, उसके आश्रित को नौकरी दिया जाए और आज जिस तरह से असुरक्षित हैं जनप्रतिनिधि, सरेआम दिन दहाड़े गोली मारा जा रहा है, उनको सुरक्षा व्यवस्था दिया जाए। और जो भी जनप्रतिनिधि हैं उन क्षेत्र में जब भी भ्रमण करते हैं उन्हें सुरक्षा का उचित व्यवस्था सरकार द्वारा की जाए।